आज हम बात करेंगे एरिक्सन की थ्योरी की। सो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी कहा जाता है। और एरिक्सन मानते हैं कि पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में होती है, यानी स्टेजेस में हमारी पर्सनालिटी बनती है। 8 स्टेजेस एरिक्सन के द्वारा दी गई हैं। उनकी थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि कैसे सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल। सो हिज थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ सोशल एक्सपीरियंसेस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्सन। सो वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ हिज थ्योरी, वन मेन कॉन्सेप्ट दैट ही गिव इज ऑफ ईगो आइडेंटिटी, दैट इज अ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ। एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ जो कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही बनता है। सो अ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वन डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ये ईगो आइडेंटिटी जो है इट्स अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है ईगो आइडेंटिटी नए एक्सपीरियंस और नई इन्फॉर्मेशन के वजह से। और नए एक्सपीरियंस और नए इन्फॉर्मेशन जो है वो हम एक्वायर करते हैं बिकॉज ऑफ आर सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स। नाउ ही ऑल्सो बिलीव्स कि एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस हम सब में मौजूद है जो हमें काइंड ऑफ मोटिवेट करती जाती है, ठीक है, हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को एक इंडिविजुअल के मोटिवेट करती है एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस जो हम सभी में मौजूद है। हर एक स्टेज थ्योरी जो उनकी है वो कंसर्न्ड है विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ। सो एवरी स्टेज इन हिज थ्योरी इज कंसर्न्ड विद बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ। एंड ही बिलीव्स दैट पर्सन जो है जब वो कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है तो वो ही उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है। सो अगेन टू रिकैपिचुलेट इट, एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। एरिक्सन ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस, एंड हिज थ्योरी यू नो डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। सो वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ हिज थ्योरी इज हाउ द ईगो आइडेंटिटी डेवलप्स। नाउ ईगो आइडेंटिटी इज लाइक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वन डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ जो हमारा सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा बनता है। देन ईगो आइडेंटिटी इज समथिंग दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यू टू आर यू नो डेली इंटरेक्शंस विद अदर्स। एंड ही बिलीव्स दैट ईगो आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली बदलती है, न्यू इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं थ्रू आर इंटरेक्शंस विद अदर्स। ही बिलीव्स कि एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस हम सब में मौजूद है जो हमें मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शन को एक इंडिविजुअल के। And each stage is concerned with becoming competent in an area of life. So, हर एक stage में एक challenge pose करती है हर एक stage. So, he believes कि person के experience जो है, person हर stage में conflict को experience करता है and that serves as turning point in his life. Now, he gave ego psychology, Anna Freud के under काम किया, तो ego psychology में कुछ tenets दिए, 4 tenets की बात कर लेते हैं. Now, फर्स्ट इज की हिज थ्योरी ऑफ ईगो साइकोलॉजी यू नो काइंड ऑफ गिव्स मोर इम्पॉर्टेंट टू ईगो, ईगो इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सेकेंड इज सोशल फैक्टर्स काइंड ऑफ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ ईगो इज एबल टू यू नो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ यू नो बिना इंटरैक्ट के ईडिया सुपर ईगो से। एंड ईगो इज अ पावरफुल एजेंट दैट कैन अडेप्ट टू सिचुएशन एज वेल, ईगो पावरफुल एजेंट है जो सिचुएशन को भी अडेप्ट कर सकता है।